बॉबी देओल एक ऐसे फ्लॉप एक्टर बन चुके थे जो घर पर बैठे शराब पीते रहते थे, जिनकी वाइफ काम पर जाती कमाती थी और बॉबी देओल घर पर बैठे रहते थे एक हारे हुए इंसान की तरह। बट दिस थिंग हर्ट बॉबी देओल्स हार्ट वेरी मच। तब बॉबी देओल के बेटे ने उनसे एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर बॉबी देओल इतने टूटे हर्ट हुए कि उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया और आज वो आपके सामने है। एक्चुअली बॉबी देओल ने अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर की है जब बॉबी देओल को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। दैट टाइम वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉबी देओल। तब बॉबी का लक खराब चल रहा था और उन्हें कोई काम भी नहीं देना चाहता था। इम्तियाज अली से मिले धोखे से उनकी मूवी जब वी मेट में बॉबी की जगह शाहिद कपूर को साइन कर लिया गया था और कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बॉबी देओल के साथ काम नहीं करना चाहते थे। बॉबी देओल और सनी देओल जब कॉफी विद करण शो में गए तब बॉबी देओल ने अपने इस बुरे दौर के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि उस बुरे दौर में वो खुद पर तरस खाते थे, उन्हें खुद पर दया आने लगी और बॉबी ने पूरी तरीके से हार मान ली थी। उन दिनों बॉबी देओल पूरे दिन घर पर बैठे बस शराब पिया करते थे और खुद को कोसते हुए बॉबी देओल कहते थे कि लोग मुझे क्यों नहीं लेते, आई एम गुड बट कोई मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहता। ऐसे नेगेटिव थॉट्स बॉबी देओल सोचते रहते थे और पूरे दिन घर पर बैठे बस शराब पिया करते थे। बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल जो एक बिजनेस वुमेन है वो काम पर जाती और कमाती थी, जिसका और ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता था बॉबी देओल पर। इसलिए नहीं कि उनकी वाइफ काम करती थी बल्कि इसलिए कि उनकी वाइफ का काम करना और उनका काम न करना उनकी ही नजर में उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को तोड़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बॉबी देओल्स लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली। बॉबी ने अचानक एक दिन अपने बेटे को उसकी माँ से कहते सुना कि मॉम आप हर दिन काम पर जाती हो और पापा घर पर बैठे रहते हैं। यह सुनकर बॉबी ने बताया कि मेरे अंदर कुछ टूट गया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं जब इससे बाहर निकला तो मुझे ठीक होने के लिए सही मानसिक स्थिति में आने में समय लगा, ये रातों रात नहीं हो सकता था। फिल्मों में दोबारा अपनी जर्नी शुरू करने पर बॉबी ने कहा मेरे पिता माँ भाई बहने सब हमेशा मेरे साथ रहे लेकिन आप हमेशा किसी का हाथ पकड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपने पैरों पर चलना होता है। एंड बॉबी सेड दैट तभी से चीजें बदलना शुरू हो गई, मैं पहले से ज्यादा फोकस्ड और सीरियस हो गया। बॉबी ने कहा कि बुरे टाइम में वो कई लोगों से मिले और काम मांगने निकल पड़े। बॉबी सेड कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं और आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, मतलब कि मैं गया हूँ और बहुत से लोगों से मिला हूँ, मैंने खुद से कहा मैं जाऊँगा और लोगों से मिलूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं आप सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। बॉबी देओल ने करण जौहर से कहा कि मैं आपके पास भी आया था फिर भी आपने मेरे साथ काम नहीं किया। लेकिन अब जब बॉबी देओल चल पड़े हैं और उन्होंने जो कमबैक किया है उसके लिए पब्लिक लिटरली पागल हो चुकी है। पहले वेब सीरीज आश्रम और अब एनिमल में विलन के रोल में बॉबी परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। उनकी एक्टिंग फिटनेस एंड डैशिंग अवतार सेट द स्क्रीन ऑन फायर। अब बॉबी देओल को एनिमल मूवी का ये चैलेंजिंग रोल कैसे मिला यू शुड ऑल्सो नो दिस। जब बॉबी देओल घर पर फ्री बैठे थे तब उनके पास डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का कॉल आया। तब डायरेक्टर ने बॉबी को उनकी ही एक पुरानी पिक्चर दिखाई और ये पिक्चर तब की थी जब बॉबी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेल रहे थे। तब बॉबी के पास ज्यादा काम नहीं था, उस पिक में जो लुक और एक्सप्रेशन बॉबी देओल के थे उसे दिखाते हुए संदीप ने बॉबी को एनिमल मूवी में लेने को कहा। और इस सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लुक और एनिमल मूवी में बॉबी देओल के लुक बिल्कुल सेम इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इसी लुक से इम्प्रेस होकर बॉबी देओल को एनिमल में विलन के रोल के लिए साइन किया है, जिसे बॉबी देओल ने कितनी शिद्दत से प्ले किया है ये आप मूवी में देख चुके होंगे। तो अब आप जिस बॉबी देओल को स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे टाइम को पार कर आए हैं जो उनकी लाइफ के सबसे बुरे दिनों में से एक थे, जिसे हराकर बॉबी देओल अब स्क्रीन पर छा चुके हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।